Hello everyone. Today I will discuss method to calculate t test that is called significance of difference between two means. तो t निकालेंगे हम आज के इस वीडियो में. t निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा है उस पर. तो आज का जो एग्जाम्पल है, आज का जो आपका क्लैरिफिकेशन है, इसमें वी विल डिस्कस टू कैलकुलेट टी बाई इंडिपेंडेंट मीन्स मेथड. इंडिपेंडेंट मीन में क्या होता है, देखिए इस तरीके के आपके दो ग्रुप्स मिलेंगे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. ग्रुप में बॉयज एंड गर्ल्स, दीज टू आर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, मतलब दो अलग अलग ग्रुप ले लिए गए, इनका आपस में कोई से भी कोरिलेटेड नहीं है. दिस इज द मीन, इस तरीके से मीन दिया रहेगा. एस डी फॉर दैट ग्रुप विल बी गिवन एंड एन, एन इज टोटल नंबर. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, देन दैट यू विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ स्कोर्स बिटवीन ग्रुप वन. ये देखिए लिखा हुआ है मैंने यहां पर. तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे फर्स्ट वाले ग्रुप का. तो फॉर्मूला इज एस डी अपॉन अंडर रूट एन. अब ये वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, दैट इज बॉयज वन. तो ये देख लीजिए इस तरीके से करके आपका आ गया है. एस डी यहां पर है 10.5, एन इनका 81 दिया गया, अंडर रूट एन आपने यहां पर 81 लिख दिया. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड द आंसर विल बी 1.17. राउंड फिगर पर आप करते जाएंगे. नाउ इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप. तो सेकेंड ग्रुप का एस डी और एन, तो ये देखिए सेकेंड ग्रुप का जो एस डी है गर्ल्स का वो है 7.5 और एन है 71. ये आ गया 7.5 और 71, आपने इसको कैलकुलेट कर दिया. द आंसर इज 0.89. नाउ यू विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर बिटवीन द टू स्कोर्स. तो ये देखिए यहां पर ये है, इसके फॉर्मूले में सिंपल, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ फर्स्ट ग्रुप का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ सेकेंड ग्रुप जो मीन का है उसका स्क्वायर. तो जो पहला वाला जो ग्रुप था ये आ गया था इसका आंसर 1.17. तो इसमें देखिए 1.17 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ग्रुप दैट इज 0.89 इसका स्क्वायर. पहले आपने दोनों का स्क्वायर कर लिया, इसके बाद क्योंकि ये डेसिमल थ्री डिजिट्स हैं तो इसलिए इसको मैंने यहां पर सेकेंड डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करके इसको राउंड फिगर में कर दिया. इन दोनों को राउंड में करेंगे तो आप 6 का जो है, 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए यहां पर 7 हो गया. उसी तरीके से यहां पर 2 है तो 2 छोटा है, तो 2 का वैल्यू खत्म हो जाएगी और आंसर विल बी 0.79. इसके बाद इस तरीके से आ गया, अंडर रूट निकाल लिया एंड दिस इज द आंसर 1.47. नाउ अब यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन फाइनल टी फॉर्मूला. तो टी फॉर्मूला इज लाइक दिस, मीन वन माइनस मीन टू अपॉन स्टैंडर्ड डिफरेंस, एस स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस जो आपका ये दिया गया है. तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो आपका पहला देखिए मीन जो गिवन है ये है 45.03, ये है 45.03. सेकेंड की वैल्यू आ गई है माइनस 40.03, दिस इज 40.03. और स्टैंडर्ड एरर, ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंस बिटवीन स्कोर्स जो है, ये आप ये कैलकुलेट करा, जो ये कैलकुलेट हुआ था आपका, ये आ गया है 1.47. ये देखिए 1.47. सो यू विल पुट वैल्यू ऑफ 1.47 हियर. अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. यहां आने के बाद, इसके बाद 3.401 दिस विल बी द आंसर. इसके बाद आप इसको में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला जाता है जब कभी भी टी के लिए. तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको कहा जाता है डीएफएस डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको आप कैलकुलेट करेंगे. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो होता है, जो भी ग्रुप के जितने भी एन के ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि यहां दो ग्रुप हैं तो इसलिए ले लिया, तो एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन, जितने भी ग्रुप्स होते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, हम उनको अलग अलग इसी तरीके से, अगर इसमें तीन होता तो हम यहां पर प्लस एन थ्री माइनस वन लिख देते. तो दोनों का आपको एन की वैल्यू दी गई है 81 माइनस वन एंड 71 माइनस वन, ये दे दिया गया, प्लस करके 150 आ गया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू चेक दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब देखिए ध्यान से, एक टेबल आपको मिलेगा, जो मैं टेबल आपको दिखाने जा रही हूं, दिस इज टेबल फॉर टी. देखिए लिखा हुआ है टी टेबल, टेबल ऑफ टी रेशियो. इसमें देखिए यहां पर किनारे दिया गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको सभी स्टैटिस्टिक्स की बुक में मिल जाएगी. एक और चीज, जब कभी भी आप टेबल का यूज करिए तो ट्राई टू रिवर्ट योर पेंसिल और पेन, क्योंकि पॉइंट का निशान लगता है तो बुक गंदी हो जाती है और आपको अगली बार जब कभी वैल्यू देखनी होती है तो दैट इंक्रीजेस योर डिफिकल्टी. सो ट्राई टू बुट, दिस इज माय वन सजेशन.
डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखिए 1 से लेकर के यहाँ पर 120 और उसके बाद ये चला जाएगा इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पर। तो क्योंकि हम और यहाँ पर आप ऊपर देखिए 0.10, 0.05, 0.02 ऊपर छोड़ देते हैं 1 टेल टेस्ट के लिए, हम 2 टेल टेस्ट की बात करें 0.01 एंड देखिए 0.001। सो इन जनरल हम दो वैल्यूज के चेक करते हैं, दैट इज 0.05 एंड 0.01। इसका मतलब है अगर कोई वैल्यू 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब दैट आंसर इज एप्लीकेबल और या जनरलाइज्ड ऑन 95% पॉपुलेशन, इसका आप ऐसे समझिए। और 0.01 पर अगर, इसका मतलब 99% लेवल पर वो जनरलाइज्ड हो गया वो आंसर। सो अब यहां पर जो आपका जो ये आंसर दिया गया है, दिस इज 150 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है। तो 150 के लिए आप देखिए 120 की वैल्यू को हम लेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे 120 की जो वैल्यू है 0.05 लेवल पर, दिस इज 1.980। ये देखिए, तो आई हैव रिटन, आपको इस तरीके से यहां पर आप हमेशा लिखेंगे। तो आपने देखिए लिखा कि टेबल से डिग्री ऑफ फ्रीडम 150 था, तो उसकी जो वैल्यू है 0.05 लेवल पर जो वैल्यू है दिस इज 1.980। ये देखिए यहां पर मैंने आपको दिखाया 1.980 ये, और 0.01 लेवल पर जो वैल्यू आई है, यहां से आप नीचे चलते चले जाइए, दिस इज द वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आई है, दिस इज 2.617। तो ये मैंने लिख लिया है 0.01 लेवल पर 2.617। अब चेक क्या करते हैं, अगर आपकी जो ये जो टी का जो आंसर आया है ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू जो आपकी आंसर आई है अगर ये इससे बड़ी है, इसका मतलब ये यहां पर सिग्निफिकेंट है। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो ये जो आपका वैल्यू है इसका में जो सिग्निफिकेंट है वो पॉइंट, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए 2.617 से भी ये काफी बड़ी है, 3.401, दैट मीन्स दिस इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। इसको यही लिखते हैं आप, इस तरीके से लिखेंगे कि द आंसर द मीन डिफरेंस या टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये एक लाइन लास्ट में यू हैव टू राइट, और इधर एनीवन विल आस्क, जब आपसे कोई पूछता है तो आपको ये बताना पड़ेगा दैट आंसर इज सिग्निफिकेंट एट विच लेवल। कई बार ऐसा हो जाएगा आप देखेंगे कि इससे वैल्यू छोटी है, मान लीजिए आंसर वैल्यू आपकी आ जाती है 2.146, सपोज एक वैल्यू मैंने दे दी, तो 2.146 इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो जिससे इससे बड़ी होगी 0.05 से, तो उस सिचुएशन में उस एग्जाम्पल में यू विल से दैट इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 0.01 पर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आप जो भी लिखते हैं उसके बाद कला, जैसे इस एग्जाम्पल में है तो आप 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर लिख देंगे, इसका मतलब वो 0.05 पर ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।